असलकुम कैसे हैं आप होपफुली सब लोग ठीक होंगे खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल और इस दिन का ना हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और शुक्र है कि ये दिन आ ही गया हमारे ना आज गेस्ट आ रहे हैं चाइना से आपको थंबनेल देख के तो अंदाज़ा हो ही गया होगा तो बस कुछ इस तरह का मसला प्रॉब्लम रहा है कि एक दफ़ा सीट हुई है उनकी फिर कैंसिल हो गई फिर दोबारा से हुई है तो उस वजह से ना काफी कंफ्यूजन में रहे हम लोग तो शुक्र है आखिरकार वो दिन आ ही गया तो एक और ना बड़ी फनी स्टोरी हुई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आज का वीलॉग जो है वो दावत से रिलेटेड है तो होपफुली आज का वीलॉग आपको अच्छा लगेगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम तो मैं ना नाश्ता वगैरह से फारिग होके तो किचन में आ गई थी अच्छा ये ना लास्ट डे का है थोड़े से वीडियो क्लिप्स ना मैं बताती हूँ कि ये लास्ट डे के क्यों है आगे चल के मैंने ना चिकन निकाल लिया था मेन्यू मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ था मैंने लास्ट वी में आप लोगों के साथ शेयर की थी प्रिपरेशन और टिप्स और सारे ट्रिक्स वगैरह तो चिकन जो है ना वो मैंने यखनी बनने के लिए रखा था इसलिए अभी तक ना वो डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था मैं मैंने कहा हल्की आंच पर रख देती हूँ साथ साथ बनता रहेगा और साथ में ना यखनी भी रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने ना कुछ गर्म मसाले ऐड किए हैं इसके अंदर ज़ीरा डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट नमक डाल दूंगी और सब्ज़ मिर्च का एक क्यूब डाल के न तो इसको ना हल्की आंच पे रख दूंगी बनने के लिए तो चिकन भी खुल जाएगा और साथ में ना यखनी जो है वो भी रेडी हो जाएगी तो बाकी जो चिकन वगैरह था वो मैं पहले ही ला के मैंने वॉश करके रख लिया था ताकि दावत वाले दिन फिर मुझे ना प्रॉब्लम ना हो तो बस उसको जो मैंने सालन बनाना था उसके लिए भी मैंने ना चिकन की मैरिनेशन पहले की थी इससे ना थोड़ा टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है तो मैंने ना इसको हल्दी और सुरख मिर्च पाउडर ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा पेपरिका डालूंगी इसके ऊपर और लहसन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी थोड़ा सा ना तिक्का मसाला भी ऐड करूंगी इसके ऊपर तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया अच्छा इसको ना सारी चीजों को मिक्स अप करके मैं रख लूंगी योगर्ट में नहीं लगा रही इसको क्योंकि वो जब चिकन मैंने भूनना होगा ना उस वक्त डालूंगी थोड़ा सा पेपरिका भी मैंने डाला था तो उससे ना कलर जरा काफी अच्छा हो जाता है हुआ क्या कि मैं मॉर्निंग में उठी हूं मैंने नाश्ता करने के बाद यखनी भी बनने के लिए रख दी चिकन भी मैरिनेट कर दिया और सफाई का काम तो मैंने लास्ट डे ही कर लिया हुआ था सारी मैंने ना डस्टिंग वगैरह की मतलब मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी कि आज ना मेहमान ने आना है तो जब दोपहर का खाना खा रहे ना दो तो रोहान खाना नहीं खा रहा था मैंने उसे कहा कि आप खाना नहीं खाओगे ना हम आपको एयरपोर्ट नहीं लेके जाएंगे तो हस्बैंड कह रहे भाई आज तो नहीं आ रहा मैंने कहा अच्छा आज नहीं आ रहा मैं तो समझी कि रात बारह बजे उसकी फ्लाइट है तो उसने आज ही आ जाना है तो कह रहे, नहीं उसने तो कल आना है मैं भी सोचूं तुम तो बड़ी मैरिनेशन कर रही और सुबा -सुबा सुबा सुबा और हो और सुबह सुबह सफाइया और नहा धो के कपड़े भी चेंज कर लिए सारा कुछ तो मैंने कहा अच्छा मैं तो कन्फ्यूजन में ही रही हूँ तो बस फिर वो ना चीजें जो है मैंने रात को फ्रिज में शिफ्ट कर दी और आज वो दिन था जिस दिन ना भाई ने आना था तो यहाँ मैं ना पुडिंग बना रही थी मैंने कहा रख दूंगी बना के तो वो ना सही से चिल्ड हो जाएगी तो अच्छी रहेगी फोर टेबल स्पून मैंने शुगर के लिए हैं और उसका ना बिल्कुल ये मैं आंच पे ना रख दिया है मैंने उसका ना कैरेमल बनाना है हमने तो वो मैंने रख दिया है मैंने पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की थी पुडिंग की लेकिन वो ना इतनी डिटेल से नहीं थी तब पुडिंग हस्बैंड ने बनाई थी तो आज ना मैं बना रही थी फर्स्ट टाइम ही तो मैंने कहा मैं ना जिस दिन खुद बनाऊंगी उस दिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी तो यहां पे ना मैंने फोर स्लाइसेस व्हाइट ब्रेड के लिए हैं तो साथ में ना मैंने टू टेबल स्पून शुगर इसके अंदर ऐड कर दी है साथ में वनीला एसेंस मैं ऐड कर दूंगी इसमें अच्छा इसके ना एग्जैक्ट जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखे हुए मिल जाएंगे क्योंकि ऐसे बताते हुए ना थोड़ी बहुत मेजरमेंट आगे पीछे हो जाती है यहाँ पे मैंने लिया कंडेंसड मिल्क और इसको ना मैं हाफ कप इसके अंदर डालूंगी अ जो ग्राइंडर जग है ना उसके अंदर ऐड करूंगी चीजें मैंने पहले से निकाल के रख ली हुई थी मेजरमेंट कप्स वगैरह और स्पून भी इससे ना फिर काफी आसानी हो जाती है एंड टाइम पे आपको चीजें हैं इधर दुर से भाग भाग के नहीं लेनी पड़ती तो मैं ना इसको डबल क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए सारी चीजें ना मैंने दो दो बार ही डाली हैं अभी मैंने ना टू कप्स जो है ना वो मैंने फ्रेश मिल्क के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर ये देखिए चीनी भी थोड़ी थोड़ी से ना डिजोल्व होनी स्टार्ट हो गई है इसका ना हमने दाना खत्म करना है चीनी का और ये ना ऐसे इसका कलर जो है ना वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है सिरप सा है तो इस स्टेज पे ना इसके अंदर मैंने डाल दिया है बटर डाल दिया है टू टेबल स्पून मैंने बटर डाला है तो इसको ना फौरन के फौरन हमने हिलाना है और जैसे ही वो डिजोल्व हो जाएगा ना तो आज जो है ना चूल्हा जो है वो हम बंद कर देंगे तो इसको ना ऐसे बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए हमने रखना है ज्यादा नहीं क्योंकि ये जैसे ही पड़ा रहता है ना साथ ही में ना ये जमनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे ना अलग अलग से मैं अंडे जो है वो क्रैक करके इसके अंदर डालूंगी क्योंकि अंडे हमेशा तो तो ब्रेड जो है ना वो सही से डिजोल्व नहीं हो जाती तो यहाँ पे मैंने ना पुडिंग का पैन लिया है तो उसको ना वॉश करने के बाद अच्छी तरह से अंदर से ड्राई कर लिया है अभी ये जो हमने कैरमलाइज की हुई शुगर है ना उसको हमने पेंदे में डाल देनी है उसके बॉटम में तो उसके बाद ना वो जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ग्राइंडर जग के अंदर वो उसके अंदर पोर कर देंगे तो वैसे तो ये खुद से ही लेवल हो जाता होता है तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाई थी ना तो पैन नहीं था हमारे पास तो तब अच्छी बनी थी लेकिन वो ना सही से निकली नहीं थी अभी अल्मोनियम फॉयल के साथ हम इसको रैप कर देंगे और बाद में ना ये जो अल्मोनियम फॉइल है साइड से मैंने कट कर दी थी ताकि ये जो है ना पानी के अंदर ना लगे तो यहाँ पे मैं स्टीम के लिए ना ये वाला यूज करने वाली हूँ इसकी ना वीडियो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ कि ये मैंने कहाँ से बाय किया है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ना इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी वेजिटेबल्स वगैरह स्टीम करनी हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और इवन के रोस्ट वगैरह भी स्टीम करना हो ना तो काफी जबरदस्त है ये काफी कन्वीनियंट रह जाता है तो अभी वो जो मैंने रैप किया था ना सारा वो पैन जो था उसका तो वो मैं मोल्ड जो है वो इसके अंदर रख दिया है अभी इसको ना हम रखेंगे तकरीबन फोटी फाइव फिफ्टी मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसमें ना पानी जो था वो मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था और बॉइलिंग वाटर होना चाहिए उसके अंदर हमने पैन उसको रखना है और मेक श्योर कि ये फुली तौर पर कवर्ड हो साथ में ना बाकी की तैयारी मैंने शुरू कर ली थी चावल वगैरह मैंने भिगो के रख दिए और दही बल्ले बनाने थे साथ में मैंने मैंने वो भी भिगो और प्याज जो है ये काम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है प्याज कट करना था ना तो पहले ही मैंने उसको ना ठंडे पानी में डाल के रख दिया हुआ था तो मैं सोच रही थी कि इधर ही खड़े खड़े ना साथ साथ ही मैं कट कर लेती हूँ थोड़ा सा कट किया फिर मैंने कहा रहने देती हूँ इसको मैंने दूसरी तरह से ही बनाना है तो कटिंग बोर्ड पे ही कट कर लूंगी शाम का टाइम हो रहा था यहाँ पे तो चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी हुई थी और ये देखें इसको ना तकरीबन 40 टू 50 मिनट्स हो चुके हुए थे ये देखें अल्मोनियम किस तरह सुपर से ऊपर से फूली हुई है अभी ना हम टूथ पिक टेस्ट करेंगे इसके ऊपर जब वो ना अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर आ जाएगी तो इट मींस कि ये अंदर से रेडी है इसमें बिल्कुल भी कच्चा पान नहीं है हस्बैंड को मैंने बुला लिया था एक तो ये कि वो एक्सपर्ट है उन्होंने दो दफा बनाई है ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी और दूसरा ये कि ये बहुत ज्यादा हॉट होती है ना इस टाइम पे तो इसलिए फिर मैंने उनको साथ लगा लिया था मैंने कहा चलो मशवरा हो जाएगा कि किस तरह से ना उन्होंने इसको डिमोल्ड किया था ये देखें केक की तरह ऐसे फूली हुई निकली है अंदर से तो खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही थी इसकी तो मैंने कहा चले एक दफा मैं भी चेक करती हूँ ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकली है इट मीनस कि ये रेडी हो गई है स्पेचुला लेके ना तो इसके हम किनारे जो है उसको छुड़ा लेंगे आप छुरी की मदद से भी उसको अलग अलग कर सकते हैं ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है वरना जब उसको हम उल्टाते हैं ना तो वो साथ ही चिपकी रह जाती है सारी ना उसकी शेप खराब हो जाती है तो काफी गर्म था ये तो मैं हस्बैंड को कह रही आप ही उसको ना करें और ये भी हो, हो रहा था कि उस डिश या प्लेट में निकालने के ये ये ना सही से पूरी आ जाए उसके अंदर तो इस तरह से रख के ऊपर से भी हमने ना इसको टैप टैप करना है ताकि किनारे जो है ना उसका बॉटम जो है ना वो भी सही से छूट जाए तो जब उसको खोल के देखा है तो ये देखे मजेदार सी हमारी पुडिंग जो है वो रेडी होगी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम ही बनाई थी तो वो जो बच, बचा हुआ कैरमल था ना वो भी मैंने उसके ऊपर डाल दिया तो हज भाई जो आ रहे थे ना हस्बैंड के भाई चाइना से तो उनकी ना फ्लाइट तकरीबन तो साढ़े दस की थी तो यहाँ शाम का टाइम था तो पुडिंग बन गई थी मैंने कहा चार पाँच घंटे फ्रिज में रहेगी ना तो ये सही से सेट भी हो जाएगी और चिल भी हो जाएगी तो फिर ही अच्छा है तो खाना वगैरह मैंने बना के फिर ही जाना था वैसे तो कभी हम सोच रहे थे हम लोग जाए एयरपोर्ट या ना जाए लेकिन रुहान को हमने एक दो दिन से बोला हुआ था कि चाचू आएंगे तो एयरपोर्ट लेके जाएंगे तो फिर हस्बैंड कह रहे खाना रेडी कर लो आप तो हम ना इकट्ठे ही चलेंगे तुम कहाँ अकेली इधर वेट करती रहोगी साथ ही मैंने ना राइस बनने के लिए रख दिए थे फ्रिज में से मैंने यखनी निकाल ली थी जो मैंने कल ही बना के रख ली हुई थी उसको हल्की आंच पे मैंने रखा था ताकि वो ना थोड़ी सी ऐसे वार्म सी हो जाए तो फिर मैं ना मसाला बना के तो उसके अंदर उसको ऐड कर दूंगी साथ ही मैंने प्याज कट करना शुरू कर लिया हुआ था प्याज ना मैं थोड़ा मोटा-मोटा ही कट कर रही थी हस्बैंड ने कहा था कि मैं ना नान ले आऊंगा साथ तुम ना ग्रेवी वाला सालन बनाना मतलब खुश खुश सा ना बनाना ग्रेवी वाला वो ना नान के साथ अच्छा रहेगा तो इसलिए फिर मैंने ना बड़े बड़े साइज का ही प्याज कट किया था और आगे चल के आप देखेंगे कि मैं किस तरह से ना ग्रेवी वाला सालन बनाती हूँ तो ग्रेवी ऐसे स्मूथ सी बनती है उससे ऐसे अलग अलग से प्याज और टमाटर वगैरह नजर नहीं आते तो हमारे घर में ना पुलाव जो खाते हैं वो बिल्कुल लाइट से कलर का खाते हैं तो इसलिए ना गोल्डन सा ही मैंने प्याज किया है उसके अंदर पानी ऐड किया ताकि उसका ना अच्छे से कलर निकल आए अभी जो चिकन यखनी में से निकाल के इधर इसको अच्छी तरह से भून लूंगी जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो फिर ना अच्छा ये ना यखनी जब मैंने बनाई थी उसके बाद मैंने इसमें से खड़े गरम मसाले जो थे ना साबित वाले वो मैंने निकाल लिए थे क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते ऐसे बार बार ना चावलों के अंदर आते हुए तो चिकन भूनने के बाद ना मैंने उसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर दिया है एक से दो टेबल स्पून चाहे तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन इससे ना राइस काफी खिले खिले से बनते हैं तो बस इसको मैं भून अभी ना होल सबज़ मिर्च में इसके अंदर ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा ना गरम मसाला ऐड करूँगी पाउडर फॉर्म में तो इस स्टेज पे आप इसको चख भी सकते हैं अगर नमक या मिर्च वगैरह कम हो तो फिर डाली जा सकती है मैंने चावल डालने के बाद चेक किया था तो मुझे थोड़ी सी ना कम लग रही थी फिर मैंने ना ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी और कुछ हमें अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि भाई अब स्पाइसी खाना खाते हैं या नॉर्मल वाला खाते हैं वैसे हमारी फैमिली में तो ना इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता अच्छा यहाँ पे ना मैंने दूसरी साइड पे पैन में ऑयल डाला है और साथ में ना सारा मैंने प्याज ऐड कर दिया है एक ना बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था और उसको बड़ा बड़ा ही मोटा मोटा ही कट कर लिया था उसको मैंने ना फ्राई होने के लिए रख दिया जैसे ही वो थोड़ा सा मतलब हल्का सा फ्राई होगा ना लाइक पिंक सा हो जाएगा तो फिर उसके अंदर ना मैं टमाटर ऐड कर दूंगी दोनों चीजों को ना हमने जस्ट फ्राई ही करना है एज इट इज ही तो ऑयल जो है ना वो भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया है ज्यादा ऑयल लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं चिकन को फ्राई करूंगी ना उस टाइम पे मैं प्रॉपरली ऑयल एड करूंगी इस, इसी स्टेज पे ना बड़ा बड़ा ही कट किया हुआ मैंने टमाटर ऐड कर दिया इसके अंदर तो प्याज और टमाटर जो है ना उसको हल्का सा ही भुनेंगे क्योंकि ये जो टमाटर होता है फ़ौरन से पानी छोड़ेगा और नरम हो जाएगा इसको ज़्यादा देर ना पकाने की जरूरत नहीं होती तो बस अभी इसको ना मैं एक पैन में सॉरी प्लेट में निकाल दूंगी ताकि इसको थोड़ी सी हवा लग जाए फिर हमने ना इसको ग्राइंड करना है ग्रेवी के लिए तो चूंकि ये फ्राई किया हुआ है ना तो इसलिए फिर बाद में ना सालन बनाना बहुत ईजी हो जाता है मेरे पास वैसे जो ग्राइंडर है ना वो ऑलरेडी स्टील का ही है तो उसमें तो ऐसे गर्म चीज भी हम डाल के कर सकते हैं लेकिन अगर प्लास्टिक का या शीशे का जग होना तो मेक श्योर उसको आप ना कर ले नॉर्मल कर ले थोड़ा टेम्परेचर उसका रोहान ने नहा लिया था हस्बैंड भी रेडी हो गए थे तो उसको ना कर रहे थे उसकी कॉम वगैरह कर रहे थे मुझे दिखाने आ रहा था कि देखो मामा मैं ना एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो गया हूँ तो मेरी तो खैर कल से तैयारी शुरू हो गई थी बस वो ना थोड़ा ऐसे फनी सी सिचुएशन होगी कि मैंने ना कल ही सारी चीज़ें जो है वो रेडी कर ली हुई थी अभी मैंने ना जरा ज्यादा ही ऑयल लिया है और उसके अंदर ना होल गरम मसाला ऐड किया है गाड़े मम बड़ी वाली डाली है ब्लैक वाली और थोड़ा सा सिनेमन सी, स्टिक डाली है उसको हल्का सा फ्राई किया है और जो चिकन मैंने ना स्टार्टिंग में बताया ना आपको कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था तो वो मैंने ना इसके अंदर डाल दिया क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने चिकन की मैरिनेशन में ही डाला हुआ था तो इस तरह साथ ही चिकन भी भून जाएगा और उसका मसाला जो है ना वो भी अच्छा से रेडी हो जाएगा इसको ना हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है और ना इसको कवर करके मैं रख दूंगी चिकन खुद ही पानी छोड़ेगा तो उसी में ना वो सारा टेंडर भी हो जाएगा और मसाला वगैरह भी आ, हो जाएगा उसका रेडी हो जाएगा दो चीज़ों में मैंने योगट डाला ना तो योग थोड़ा कम था हस्बैंड नान लेने गए हुए थे तो ना कह रहे आते हुए मैं योग ले आऊंगा तो यहाँ में ना मैंने प्याज और टमाटर कट करके डाल दिए इसमें एक क्यूब मैंने सब्ज चटनी का डाला था तो साथ में ना थोड़ा मेरे पास वो रखा था दही भल्ले मसाला मैंने रमदान की प्रिपरेशन में बनाया था तो वो मेरा अभी से पड़ा हुआ था तो साथ में ना मैंने भले ऐड करके ना तो बस उसको फ्रिज में रख दूंगी जब हस्बैंड आएंगे ना तो योगट को थोड़ा और बीट करके ना तो इसके अंदर ऐड कर दूंगी तो ये भी फिर हमारा रेडी हो जाएगा ये देखे चिकन यहाँ पे ना अच्छी तरह से बुन चुका हुआ है और इसने ना ऑयल जो है वो भी छोड़ दिया है और ये ना मैरिनेशन करके रखने की वजह से इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है सारा मसाले जो है ना वो उसके ऊपर सही से लगे हुए हैं तो दही मैंने इसके अंदर ना इस स्टेज पे डाला है इससे ना थोड़ी और ग्रेवी जो है ना वैसे स्मूथ एंड सिल्की सी बन जाती है तो जब ये दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना तो फिर वो जो मैंने प्याज और टमाटर निकाल के रखे हुए थे उसको उसको ना इसके अंदर शामिल कर देंगे तो चूंकि ये प्याज और टमाटर का जो मिक्सचर था ना वो ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था तो उसको ना हमें ज्यादा फिर पकाने की जरूरत नहीं है वैसे तो हम मैं भून लूंगी इसको दोबारा से लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी कुक ही था तो इसलिए ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टाइम पे ग्रेवी बनाने को प्याज और टमाटर जो है उसको भी आप पहले से फ्राई करके फ्रिज में रख सकते हैं यहाँ पे ना मैंने नमक मिर्च चेक की थी तो मुझे इसमें भी थोड़ा सा ना मिर्च कम लग रही थी तो फिर मैंने ना काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी और थोड़ा सा ना मैंने गर्म मसाला पाउडर ऐड किया और ये देखे मजेदार सी ग्रेवी जो है ना इसकी रेडी हो गई है और जब सालन रेडी होता है तो

ऑयल जो है उसका सेपरेट हो जाता है तो बस अलहमदुल्ला खाना मेरा रेडी हो गया हुआ था दस बजे हम लोगों ने घर से निकलना था खाना बिल्कुल रेडी था तो बस फिर यहाँ पे मैंने भी अबाया वगैरह पहन लिया हम लोग अब घर से निकलने लगे थे साढ़े दस भाई की फ्लाइट जो है ना वो लैंड करनी थी और ग्यारह बजे तक उन्होंने बाहर आ जाना था और चाइना से ना नाइन आवर्स के बाद उन्होंने यहाँ पे लैंड करना था रस्ते में एक जगह उनका स्टे भी था तो बहुत ही लंबा सफर था मैं हस्बैंड को कह रही मैंने कहा पाकिस्तान जाते हैं ना तो दो ढाई घंटे में हम लोग जाते हैं। लेकिन उसमें भी इतनी बोरियत होने लग जाती है ना प्लेन के सफर में तो मैंने कहा उनकी हिम्मत है वो बेचारे नौ घंटे के सफर के बाद उन्होंने इधर पहुंचना है तो बहुत ही ना ज्यादा मुश्किल काम मुझे फील हो रहा था ये के भाई जो है ना वो वहां पे पी एच डी कर रहे हैं चाइना में तो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हुए काफी ना रश था शायद काफी सारी फ्लाइट जो है ना एक टाइम पे ना लैंड हुई थी तो जब हम पहुंचे ना वहाँ बहुत ही ज्यादा चाइनीज लोग नजर आ रहे थे हस्बैंड बोले लग रहा है सारा चाइना जो है ना वो इधर ही आ गया है तो रुहान को हमने छोड़ा के देखो ढूंढ लो यहाँ पे चाचू नजर आ रहे कहीं या नहीं मैं हस्बैंड को पूछ रही थी आप कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं अपने भाई से तो कह रहे टू एंड हाफ ईयर हो गया मुझे पाकिस्तान गए हुए तो इतने टाइम के बाद ही मैं ना भाई से मिल रहा हूँ तो मैं ना यहाँ पे उनको छेड़ रही थी कि आज तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो वो ना खुश हो रहे थे खुशी तो उनके ना फेस से झलक रही थी जाहिर आपने बहन भाई से मिलके इतने अरसे के बाद फिर खुशी तो होती है और एक्साइटमेंट भी होती है यहाँ पे रोहन की खुशियां चेक करें भाई पहुंच चुके हुए थे तो वो भी ना रुहान को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड थे जब फर्स्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम जब हस्बैंड मिले थे ना भाई से तो तब रुहान छोटा सा था थोड़ा थोड़ा सा मतलब चलता था तो अब तो थोड़ी थोड़ी बातें भी उसने करनी स्टार्ट हो गई हुई है वो काफी ज्यादा ना खुश हो रहा था बस वो ऑलरेडी थका हुआ था तो कह रहा बस रुकना नहीं है जल्दी से मुझे लेके घर चलो मैं बस घर का सुकून लेना चाह रहा हूँ तो बस तकरीबन साढ़े ग्यारह हो गए थे हमें क्योंकि भाई का न्यू वीजा था ना विजिट का तो फिर बाहर से निकलते एयरपोर्ट से निकलते निकलते ना टाइम लग जाता है इतना तो यहाँ पे हम लोग घर पहुंच चुके हुए हैं खाना तो ऑलरेडी अलमदुल्ला रेडी ही था भाई ने कहा मैंने ना तो राइस खा रहे हैं ना ही मैंने नान खा रहे हैं मुझे तो ना घर की रोटी बना के दे बहुत टाइम हो गया कि मैंने ना ब्राउन आटा जो है ना उसकी रोटी नहीं खाई तो फिर भाई को मैंने ना रोटी बना दी कह रहा शुक्र है कि मुझे देसी घी वाली घर की रोटी जो है ना वो नसीब हुई है तो बस ये था आज का वी लोग होपफुली अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वी लोग अल्लाह हाफिज टेक केयर बाय बाय